अदाकारा। अमेठी में तेज रफ्तार का कहर जारी, रोडवेज बस ने बाइक सवार युवकों को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को सरकार देगी 50,000 का मुआवजा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। नोएडा में 60 वर्षीय साधु ने खुद को मारी गोली, गोली लगने से साधु की मौत, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सोशल मीडिया पर एक घोषणा की है कि वो तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक कि वो अगले विधानसभा चुनावों में कर्नाटक में बीजेपी को सत्ता की सीट पर नहीं बिठा देते। उन्होंने कहा कि हम आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी को सत्ता में लाने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं। मैं कभी भी विपक्षी नेता सिद्धरमैया से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं उनसे केवल 27 फरवरी 2020 को अपने जन्मदिन के मौके पर मिला था। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री एसडी कुमार स्वामी ने एक विवादास्पद बयान जारी कर कहा था कि बीजेपी येदियुरप्पा के सहयोगियों और करीबी सर्कल को आईटी छापों के जरिए निशाना बना रही है, क्योंकि उन्होंने कर्नाटक में सत्तारूढ़ बीजेपी के कमजोर होने पर चर्चा करने के लिए मैसूर में सिद्धरमैया से मुलाकात की। कुमार स्वामी ने आगे कहा था कि ये छापे येदियुरप्पा और उनके बेटे बीवाई विजेंद्र को काबू करने के लिए मारे जा रहे हैं। वहीं अमेठी में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर फुर्सतगंज थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने अनियंत्रित होकर बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो अमेठी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवारों को रौंद दिया, मौके पर ही दोनों युवकों ने दम तोड़ दिया। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की दस्तक के बाद से अभी तक उत्तराखंड राज्य में 3,45,701 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं अभी तक कोरोना संक्रमण की वजह से 7,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कोविड-19 से मृत्यु पर मृतक के परिजनों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने की बात कही है। हालांकि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड राज्य सरकार का ये फैसला काफी अहम माना जा रहा है और काफी राजनीतिक माना जा रहा है, क्योंकि कोरोना संक्रमण की वजह से न सिर्फ तमाम लोगों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि तमाम परिवारों को अपने घर का सदस्य खोना पड़ा है। ऐसे में अब उत्तराखंड राज्य सरकार कोविड-19 से मृत्यु पर उनके परिजनों को 50,000 मुआवजा देने जा रही है। पिछले महामारी के दौरान जिनके परिवार से भी कोई भी एक सदस्य के जाने पर, एक सदस्य की अगर वहाँ डेथ हुई है, तो हमने तय किया हमारी सरकार ने कि हम जो है उनको 50,000 रुपए की धनराशि सहायता राशि के रूप में। लक्सर में उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता आबकारी निरीक्षक कार्यालय लक्सर का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उप जिलाधिकारी से आबकारी निरीक्षक ने अभद्रता की और उप जिलाधिकारी को सक्षम अधिकारी ना होने की बात कहकर कार्यालय का ताला बंद कर वहां से चले गए। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए लक्सर उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने बताया कि उनको शिकायतें मिल रही थी कि आबकारी निरीक्षक के कार्यालय में कुछ गड़बड़ी है और कुछ अनियमितताएं हैं। उसी संबंध में संयुक्त टीम के साथ आबकारी निरीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया गया। जब आबकारी निरीक्षक से उनका अटेंडेंस रिकॉर्ड मांगा गया, तो उन्होंने उनको सक्षम अधिकारी ना बताते हुए कोई भी रिकॉर्ड दिखाने से साफ मना कर दिया है। तो लक्सर में उप जिलाधिकारी से आबकारी निरीक्षक ने अभद्रता की है, तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें कि आबकारी निरीक्षक कार्यालय का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। कुछ शिकायतें मिल रही थी कि आबकारी निरीक्षक के कार्यालय में कुछ गड़बड़ है, वहाँ कुछ अनियमितताएं हैं और कुछ इस प्रकार का कुछ और जगह से भी कुछ बातें संज्ञान में आ रही थी। उसी संबंध में आज टीम के साथ निरीक्षण किया गया, तो वहाँ पर आबकारी निरीक्षक ने साफ मना कर दिया है कि वो किसी भी मुझे मतलब कोई भी रिकॉर्ड नहीं देंगे और मैं सक्षम नहीं हूँ कि उनका किसी रिकॉर्ड की चेकिंग कर सकूँ। और यदि मुझे निरीक्षण करना है 3 दिन पहले का नोटिस दिया जाए और उनसे मेरे द्वारा अटेंडेंस का रिकॉर्ड मांगा गया कि आपके यहाँ पर कितने कार्मिक हैं, तो उनके द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा कोई अटेंडेंस रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता है, क्योंकि
उनके आबकारी अधिनियम में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है, और साथ ही ये कहा गया है कि उनके पास कोई मूवमेंट रजिस्टर भी नहीं है कि क्षेत्र में किस समय उनके कार्मिक जाते हैं, और ना ही उन्होंने मुझे कोई अभिलेख दिखाया कि यहाँ पर जो हमारे जो आबकारी का जो राजस्व है वो किस प्रकार से लिया जा रहा है, उनके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार उनके द्वारा मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई, और निरीक्षण के दौरान मात्र वही अपने कार्यालय में उपस्थित थे, लेकिन उसके बाद वो यहाँ पर जो है आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने ताला लगाया और वो चले गए। आबकारी निरीक्षण को भी वो प्रशासन के प्रति उत्तरदायी है, यदि जनता की कोई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं तो उन्हें मुझे अपने संज्ञान में लाना चाहिए था, और उनको यदि मैंने उनका कार्यालय का निरीक्षण किया तो उन्हें मुझे सारे अभिलेख प्रस्तुत करते हुए सारी स्थिति समझानी चाहिए थी। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी अरुण मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, ये जो अभद्रता अधिकारियों के बीच देखी जा रही है, इससे क्या संदेश जनता के बीच जाता है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, यहाँ कल लक्सर एसडीएम जो है वैभव गुप्ता जी जो है आबकारी कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहाँ जो है उनके आबकारी निरीक्षक के द्वारा जो है उनके साथ सही जो है बर्ताव नहीं किया गया, और उन्हें जो है जब निरीक्षण के लिए उन्हें उनसे दस्तावेज और रिपोर्ट दिखाने के लिए कहा गया तो उनके द्वारा जो है जिला अधिकारी को साफ मना कर दिया गया कि आप जो है ये सब जो हमारे लिए है देखने के लिए आप सक्षम अधिकारी नहीं है, और इसमें जो देखने के जो सामने आ रहा है निकल के इसमें यही आ रहा है कि जब प्रशासनिक अधिकारी की बात ही जो है अधिकारी मानने को तैयार नहीं है तो फिर एक आम आदमी के साथ इनका कैसा बर्ताव रहेगा। जी बिल्कुल, तो क्या इस पूरे मामले में कोई संज्ञान लिया गया है, क्योंकि जिस तरह से उप जिलाधिकारी से आबकारी निरीक्षक ने अभद्रता की है उसके तमाम वीडियो जो हैं वो जनता के सामने भी हैं। जी बिल्कुल, इसमें उप जिलाधिकारी के द्वारा ये कहा गया है कि वो जो है अपने उच्च अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट प्रेषित करेंगे और जो विभागीय जो कार्यवाही वो इसके खिलाफ जो है मत में लाई जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए अरुण। तो आबकारी निरीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया गया, लेकिन इस दौरान अभद्रता की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल उपजिलाधिकारी से आबकारी निरीक्षक ने अभद्रता की और कहा कि आप ये सब चेक करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए पूरी तरह से सक्षम नहीं है। बागपत में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर बागपत दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार अधिवक्ता को रौंद दिया, जिससे अधिवक्ता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिससे नाराज अधिवक्ताओं ने शव को हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। बताया जा रहा है कि अधिवक्ता बड़ौ तहसील से घट जा रहा था और तभी ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एटा के थाना रामपुर क्षेत्र में 60 साल के साधु ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर एटा एसएसपी पहुंचे। बताया जा रहा है कि कई सालों से अनिल मिश्र फक्कड़ बाबा मंदिर में रह रहे थे, जिसके बाद अज्ञात कारणों के चलते शाम को बाबा ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। वहीं पुलिस को मौके पर घटनास्थल पर साधु का सुसाइड नोट भी मिला है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। थाना राजा रामपुर के क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कनेसर में आज सायंग लगभग 6:30 बजे एक खेत में स्थित मंदिर पर लगभग 20 वर्षों से रह रहे एक बाबा के द्वारा आत्महत्या करने की बात बताई गई है। मौके पर प्रारंभिक छानबीन से पाया गया है कि वहां कनपट्टी पर उनके फायर आर्म्स के निशान दिखाई दे रहे हैं। गोरखपुर में एक तरफ योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े वादे और दावे करती है, दूसरी तरफ जिले में महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। योगी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये कहना गलत नहीं होगा। देवरिया के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा को उसके ही गांव का एक युवक नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता का कहना है कि गांव का ही युवक ने नशीला पदार्थ खिलाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बना लिया। युवक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म किया। इसकी जानकारी छात्रा ने अपने परिजनों को दी, तब परिजनों ने रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र पर तहरीर दी है, लेकिन थानेदार साहब ने आरोपी के प्रभाव में आकर पीड़िता को थाने से भगा दिया। पीड़िता उसके बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। पुलिस अधीक्षक को
अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने पीड़िता को कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया, लेकिन एक महीने से पीड़िता कार्यालय का लगातार चक्कर लगाती रही, लेकिन न्याय नहीं मिला है। खिलाफ लगातार मसला पड़ा, मेरे साथ गलत काम किया है और उसका वीडियो बनाया है, वीडियो वायरल करने की धमकी दी है और लगातार मुझे ब्लैकमेल करता रहा। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी मृत्युंजय मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, लगातार ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन सीएम सिटी में ही लगातार दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो कैसे कहा जा सकता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एक तो सीएम सिटी है गोरखपुर, और सीएम सिटी जो है चूंकि कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह जो है योगी आदित्यनाथ तो ये कड़े शब्दों में कहे हैं कि कोई भी ऐसे अपराधी अपराध करता है वो बख्शा नहीं जाएगा। अभी आप देखी हैं कि जैसे मनीष हत्याकांड हुआ, मनीष प्रजापति हत्याकांड हुआ, ऐसे लेके जो है ये मुद्दा थमा ही नहीं, तब तक एक बालिका के साथ जो है और इस घटना का अंजाम जो है देते हैं अपराधी। लेकिन कहीं ना कहीं इस पे जो है प्रशासन के लिए निशान है जी। के बाद एक कई घटनाएं सामने आ रही हैं। इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि युवती को गांव के ही युवक ने नशीला पदार्थ खिलाया, उसके बाद लगातार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। महिला पहले थाने पहुंची तो थाने से उसे भगा दिया गया, पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची तो वहां पर आश्वासन दिया गया, लेकिन एक महीने से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ये किस तरह का आश्वासन है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो है नशीले पदार्थ जैसे खाने पीने के सामान में नशीले पदार्थ डाल के और युवती को खिलाया गया युवकों के द्वारा, और जब उस पीड़िता के पूरी जो है उसका उसके साथ गलत व्यवहार किया गया और जब ये पीड़िता थाने पहुंचती है तो थाना अध्यक्ष ने उसको फटकार लगाकर और भगा देते हैं, और ये दर दर की भटक रही है महिला और एसएसपी कार्यालय और डीएम कार्यालय की चक्कर लगा रही है, लेकिन ये प्रशासनिक जो अमले हैं इस पे कोई भी कठोर कदम जो है नहीं उठा अभी तक। मृत्युंजय, पुलिस अधीक्षक के पास पीड़िता पहुंच गई है, वहां से इंसाफ नहीं मिला है, तो आगे क्या इंसाफ मिलने की उम्मीदें हैं? देखिए आप, मैं आपको बता दूं कि जो पीड़िता है वो पीड़िता जो एसएसपी कार्यालय पे जो है बैठी हुई है और कोई एसएसपी जो है मिलने से क्योंकि इनकार कर रहे हैं, अभी तक मिले नहीं है। जैसे कि हमारी बात भी जो है हुई है तो कैमरे पर बोलने से भी कतरा रहे हैं, कोई भी जवाब देने से भी कतरा रहे हैं जी। बिल्कुल मृत्युंजय, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो गोरखपुर में युवती के साथ गांव के ही युवक ने नशीला पदार्थ खिलाकर लगातार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा और जान से मारने की धमकी दे रहा। पीड़ित महिला पहुंची थाने शिकायत लगाने के लिए, लेकिन वहां पर उसकी शिकायत नहीं सुनी गई, उल्टा उसे वहां से भगा दिया गया, जिसके बाद वो पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची, वहां पर आश्वासन दिया गया, लेकिन एक महीने से कोई कार्रवाई नहीं दी गई है। सिर्फ आश्वासन देकर इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया गया। नोएडा में दशहरे पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाता है। भगवान राम हिंदुओं की आस्था के प्रतीक है और दशहरा हिंदुओं का त्यौहार है, लेकिन मुस्लिम भी इसमें अपनी भागीदारी निभाते आए हैं। तीन पीढ़ियों से एक परिवार रामलीला में दशहरे के दिन जलने वाले रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले तैयार करता है। दादा की चलाई रीत को आज पोते भी निभा रहे हैं और ग्रेटर नोएडा में रावण समेत कई पुतले तैयार कर रहे हैं। वहीं इस बार कोरोना की मार से रावण भी नहीं बच पाए हैं। कोरोना की वजह से रावण और दूसरे पुतलों की लंबाई कम हो गई है, करीब 20 फीट से ज्यादा लंबाई को घटा दिया गया है, क्योंकि प्रशासनिक आदेश है, तो ऐसे में अब कारीगर करे भी तो क्या। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दशहरा हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्यौहार, और लेकिन यहां पर जो कारीगर हैं वो मुस्लिम कारीगर बताए जा रहे हैं सालों से। आपको बता दें कि दशहरे वाले दिन पुतला दहन किया जाता है रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ का, और ये पुतले मुस्लिम कारीगर मनाते आए हैं नोएडा में, कई सालों से बना रहे हैं, और आप देख सकते हैं इस बार जो लंबाई है पुतलों की वो कम कर दी गई है, क्योंकि प्रशासनिक आदेश है कि 20 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। इन तस्वीरों को देखकर लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपसी सौहार्द कितना है, और कई त्यौहारों में ऐसा आपसी सौहार्द देखने के लिए मिलता है, दशहरे में भी ये धूम नज़र आती है।
लगभग पापा के टाइम से, हमारे दादा के टाइम से ये काम हो रहा है। दादा हमारे ये काम करते थे और हमारे पापा हैं वो भी यही काम करते हैं। अभी हम पापा के साथ ही हैं, अब देखते हैं आगे भी करते रहेंगे। कितने ये पुतले तैयार किए गए हैं और इस बार रावण की कितनी ऊंचाई है, किस किस के पुतले तैयार किए गए? जी 3 पुतले तैयार किए गए हैं अभी फिलहाल, एक मेघनाथ, एक रावण और एक उनका नाम कुंभकर्ण। जी क्या हाइट रखी गई है इस बार? जी लगभग कोरोना काल के चलते हुए अब की बार हाइट थोड़ा कम है, 35 फीट के लगभग है। कोरोना की वजह से कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? जी किस तरीके की दिक्कत सामना करना पड़ रहा है? जी हमारे पास हर बार काफ़ी जगह के ऑर्डर्स रहते थे, बट अब की बार एक ही यहीं का ही है। कोरोना की वजह से हमें ये दिक्कत हुई, काफ़ी हमारा काम बहुत कम हो गया। एक महीने से 25 दिन तक लग जाते हैं, महीने से 25। दो बार से शायद आपने ये कार्य नहीं चला है जी, तो इस बार कितने दिन लगे इनको तैयार करने में? अब के ज़्यादा क्योंकि परमिशन की बात होती है, कमेटी को परमिशन नहीं मिली, थोड़ी लेट परमिशन मिली तो लेट काम शुरू करा हमने, 20 दिन पहले शुरू करा था काम। अच्छा एक बात बताएं कि जो रावण हैं उनको लेकर आपके अंदर कोई आस्था होती है ऐसी? हाँ कलाकार की आस्था होती है, हम आर्टिस्ट हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारी आर्ट हमेशा कायम रहे, हम अपनी आर्ट का प्रदर्शन करें ताकि हमें आगे कोई भविष्य में हमारे बच्चे भी हम भी इस आर्ट को कायम रखें। मुस्लिम समाज की तरफ से कोई ऐसा विरोध तो नहीं होता कि भाई आप मुस्लिम होकर हिंदू समाज के जो रावण है या कलाकृति आप बना रहे हो उस पर विरोध तो नहीं करते? नहीं कोई विरोध नहीं करता क्योंकि हमारा रोजगार भी है, ये हमारा कारोबार भी है। मथुरा में वृंदावन कोतवाली क्षेत्र में गुरुकुल छात्रावास के पास रामानुज नगर कॉलोनी से दवा लेने को कहकर घर से गई विवाहिता वापस नहीं लौटी, जिसके बाद पीड़ित पति ने कोतवाली में गुमशुदगी विवाहिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराकर पुलिस से पत्नी की तलाश की गुहार लगाई है। पीड़ित पति ने बताया है कि उसकी पत्नी के साथ उसकी बेटी भी है, फिलहाल पुलिस पत्नी और बच्चे की तलाश में जुटी हुई है। पत्नी कल 8:30 माया बच्ची के लिए निकली थी दवाई लेने के लिए सर, अभी तक सर मेरे घर अभी पहुँचे नहीं है सर, मेरे दो बच्चे हैं छोटे छोटे सर, मैं बहुत परेशान हूँ सर, कल से राहत हो रही सर बहुत कर चुका हूँ मैं वो सर, अभी कुछ सुराग सर मेरे को मिला नहीं है सर। क्या नाम है पत्नी का, कितनी उम्र है? पुष्पा चौधरी, 21 उम्र सर। 21 साल? हाँ सर। क्या कह कर गई थी कि मैं माया बच्ची दवाई लेने जा रही हूँ अपनी सूजन के लिए और तुमको मैं कॉल कर लूँगी वहाँ पर जाकर, मुझे लेने आ जाना काम पर से, बस यही कह रहे सर, वो निकल चुकी यहाँ से। फिर अस्पताल जाकर जानकारी की? गया सर मैं कालिया भी गया सर, मायावती गया दोस्तों साथ पूरा ढूंढा, 100 फुटा चेतन मैं बाबू जी सब घूम के मैं आ गया, लेकिन बाबू जी मेरे को मिली नहीं थी। अब गुमशुदगी दर्ज करवा दी आपने? हाँ बाबू जी गुमशुदगी दर्ज करा दी मैंने। गौना में होने वाले सीएम सामूहिक विवाह आयोजन में पहले से विवाहित लोगों की दोबारा शादी करा दी गई है। यही नहीं एक तो फर्जी दूल्हा दूसरी लड़की के साथ बैठकर विवाह रचा रहा था, जिसे हमारे रिपोर्टर ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, और ये बात हम नहीं खुद वो दूल्हा दुल्हन कर रहे हैं। दूल्हा दुल्हन तो वही होते हैं लेकिन मंडप अलग अलग होते हैं, एक मंडप घर पर होता है तो एक मंडप सरकार की तरफ से आयोजित किए जाने वाले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में होता है, और खुशी खुशी कई महीने पहले विवाह के बंधन में बन चुके जोड़े सरकारी सामूहिक विवाह कार्यक्रम में फिर से शादी रचाते हैं। दूल्हे और दुल्हन को ना केवल उसके माता पिता के यहाँ से गिफ्ट मिलता है बल्कि शादी के कई दिन बाद सरकार दोबारा विवाह कराकर उन्हें दोबारा गिफ्ट देती है। अब गिफ्ट और पैसे के चक्कर में दोबारा शादी करने वाले दूल्हा दुल्हन कैमरे में कैद हो चुके हैं, और इस कार्यक्रम के आयोजन में इस विभाग के मुखिया समाज कल्याण विभाग के कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री खुद मौजूद थे। तो अंदाजा लगाइए कि जहां एक तरफ ये कहा जाता है कि सीएम सामूहिक विवाह का आयोजन करवाया जा रहा है, ऐसे में उन लोगों की शादी करवाई जाती है जिनकी सालों से शादी नहीं हुई है या फिर काफ़ी समय हो गया है, परिवार ऐसा है कि शादी नहीं करा सकता, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनका यहाँ पर विवाह होता है। लेकिन यहाँ अब कुछ अलग ही तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है, जो पहले से शादीशुदा हैं वो यहाँ आकर शादी कर रहे हैं, और ये बात हम नहीं खुद दूल्हा दुल्हन कह रहे हैं। तो सीएम सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, इसमें दुल्हा दुल्हन वो मौजूद थे जो पहले से शादीशुदा थे, सिर्फ गिफ्ट और पैसों के लालच में वो शादी कर रहे थे, माता पिता भी यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिसने इस पूरे आयोजन को किया है वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, क्या ये सारी चीज़ें नोट नहीं की जाती,
ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, एक नहीं दो नहीं, तमाम ऐसे जोड़े हैं जो यहाँ पर दोबारा से शादी कर रहे हैं। तो किस तरह से सीएम सामूहिक विवाह आयोजन का मजाक बनाया हुआ है, विवाहित जोड़े दोबारा यहाँ पर शादी कर रहे हैं सिर्फ पैसे और गिफ्ट के लालच में। तो गोंडा से तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर एक बार फिर एक योजना में धांधली देखने के लिए मिली है। सीएम सामूहिक विवाह आयोजन, इस योजना के तहत गरीब कन्याओं का विवाह कराया जाता है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी राजमंगल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजमंगल, एक ही जोड़े की दोबारा शादी, वो भी सीएम सामूहिक विवाह आयोजन में, आखिर क्यों, इसकी जवाबदेही किसकी? जी काजोल, आपको बिल्कुल बता दें कि जिस तरह से मुख्यमंत्री का एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था कि सामूहिक विवाह में जो गरीब परिवार हैं इनका निःशुल्क विवाह हम लोग कराएंगे, बहुत अच्छी योजना थी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जमीनी स्तर पर इसकी धज्जियां उड़ा दिए हैं अधिकारी और कर्मचारी मिलकर के, जो इसके जिम्मेदार हैं। हालांकि आपको बता दें, गोंडा जनपद में कल सामूहिक विवाह कार्यक्रम था जिसमें स्वयं समाज कल्याण मंत्री मौजूद थे और उसके बाद वहां पे शादी बाकायदा करा करके वापस वो चले आए। हालांकि उसके बाद में ये बात निकल के आई कि जितने भी उसमें शादी कराने आए थे, आधे से अधिक उसमें शादीशुदा थे पहले से, जिनके बच्चे भी थे। इस तरह से मामला संज्ञान में आया। वही जब राजमंगल, तो क्या खुद जो दूल्हा दुल्हन यहाँ पर बैठे हैं उन्होंने खुद इस बात को कबूला है कि वो दोबारा शादी कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, इस बात को उन्होंने कबूला है कि हाँ, हम दोबारा शादी कर रहे हैं, किसी के पास बच्चे भी हैं, इस तरह से बातें निकल के आई हैं। वहीं जब जिम्मेदार से इस चीज पे बात किया गया तो उन्होंने साफ तौर पे यही बताया कि जांच कराई जा रही है, ऐसा हो नहीं सकता, अगर ऐसा है तो कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए राजमंगल। तो विवाहित जोड़े दोबारा शादी यहां करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इतनी अच्छी योजना उत्तर प्रदेश में सरकार लेकर आई थी जिसमें गरीब असहाय जो लड़कियां हैं, जो कन्या हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है परिवार की, उनका यहाँ पर विवाह कराया जाएगा और यहाँ पर उन्हें पैसे भी दिए जाएंगे, साथ ही साथ गिफ्ट मिलेंगे, लेकिन इसका लाभ कुछ और ही लोग उठा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।